हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब फ्रेंड्स? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, जिसका नाम है अभिनव समर्थ फैमिली व्लॉग, और मैं हूँ रूबी। तो फ्रेंड्स, अभी मैं नहा के आई हूँ, सुबह का ही टाइम है, और मैंने साथ में ही धुल दिए हैं कपड़े। और रोज़ मैं साथ में ही धुल रही हूँ, सुबह सुबह धुल देती हूँ कपड़े, लेकिन सूखने का बिल्कुल भी नाम नहीं है, क्योंकि उस दिन से हम यहाँ पे आए हैं, सूर्य भगवान के तो दर्शन ही नहीं हुए बिल्कुल भी, बस कपड़े धुले हैं। और उस दिन से आज तक के कपड़े भी अब तक सूखे नहीं हैं, ऐसे ही मतलब जैसे ना सीलन सीलन सी होती है वो हो रखे हैं, बस पानी ही निकलता है डेली डेली। और कपड़े भी अब ख़त्म होने में आ रहे हैं, 3-4 दिन हो गए हमें यहाँ पे आए हुए, और बच्चों के कपड़े भी अब कम पड़ने लगे हैं। लेके तो मैं 3-3, 4-4 जोड़े आई थी, फिर भी कम पड़ गए, क्योंकि जब सूखते ही नहीं हैं, धुलने रोज ही हैं कपड़े, तो इस वजह से। और बस क्या कहते हैं, देखिए धूप तो बिल्कुल भी नहीं निकलती, उस दिन से तो बिल्कुल भी नहीं निकली जब से हम यहाँ पे आए। उस दिन जब वहाँ से चले थे, उस दिन धूप वहीं पे ही देख के आए थे संभाल के, वहीं पानीपत में, और यहाँ पे ही तो बिल्कुल भी धूप के दर्शन नहीं हुए अम्बल में। तो बस उसके बाद मैंने यहाँ पे जो अंदर कपड़े पड़े हुए थे काफ़ी सारे, 3-4 दिन से देखियो अंदर ही डाल रही हूँ मैं कमरे में, इस तरह से सारे कपड़े जो भी धुल देती हूँ, फिर इनको रात में अंदर डालती हूँ, फिर सुबह में जब मुझे लगता है कि थोड़ा सा ठीक सा है, ठीक सा तो नहीं होता मौसम, लेकिन फिर भी हल्का सा इनको ना बाहर डाल देती हूँ, क्योंकि कमरा भी छोटा है, वहाँ पर सारे कपड़े कपड़े फैले पड़े हैं नहीं तो। तो बस ये जो यहाँ पे सामने जो रेलिंग होती है वो है, वैसे यहाँ ऊपर इसके भी छत है, तो थोड़ा सा बस हवा ही लगेगी इनमें, यहाँ धूप तो बाहर ना ही बाहर लग रही है और ना ही यहाँ पे, तो मैंने सोचा मैंने कि चलिए इनको यहीं पे डाल देती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पे जितने भी कपड़े थे, ये पता है क्या, जो हल्के कपड़े हैं वो तो फिर भी थोड़ा सा ना प्रेस करने से सूख ही जाते हैं, लेकिन ये जो जीन्स वगैरह हैं या फिर स्वेट शर्ट है बच्चों की, ये तो बिल्कुल भी नहीं सूखने में आ रही। तो बस मैं यहाँ पे सुखा रही हूँ कपड़े, और उसके बाद अब बनाऊँगी नहीं, पहले करूँगी पूजा, फिर उसके बाद बनाऊँगी नाश्ता। तो अभी मैं सारे कपड़ों से तो फ्री होके आ गई हूँ, और अब मैं यहाँ पे करूँगी पूजा। और अभी सुबह के बजे थे, 9:30 बजे का टाइम था, तो ये देखिए मैंने कान्हा जी को भी, और पता है क्या, यहाँ पे आके ना बिल्कुल लेट हो जा रहा है काम पूजा का भी, कान्हा जी भी लेट ही उठते हैं, ठंड है, फिर मैं सोचती हूँ कि चल कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पे कान्हा जी की ड्रेस निकाल लिए हैं, इनका टावल, और इनको नहलाऊंगी। और ये मैं ना थोड़ा थोड़ा सा ही सामान लेके आई हूँ, क्योंकि ना इतने दिनों के लिए मैं पहली बार ही बाहर आई हूँ इतनी दूर, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा आइडिया सा भी नहीं था कि मैं क्या क्या लेके चलूँ, तो बस मुझे जो जो लगा मैं वही ले आई। एक तो मैं चंदन लेके आई थी जो कान्हा जी को लगाती हूँ, इत्र, और बाकी उनकी 3-4 ड्रेस लेके आई थी, और टावल, और बाकी जो कंबल वगैरह जैसे रात में सोने का बिस्तर होता है वो। तो बस यहाँ पे जिस थाली में मैं इनको निलाती हूँ उसमें मैंने वही अष्टकमल बना लिया है देखिए, और उसमें थोड़ा सा ना इत्र डाल लिया, क्योंकि ना तो यहाँ पे वो क्या बोलते हैं तुलसी जी हैं, तो फिर मैं कैसे करूँ मैं, फिर यहाँ पे इसमें बस जो थाली है इसमें ना इत्र ही डाल लिया है, और थोड़ा सा इसमें जल में भी, और थोड़ा सा गुनगुने पानी में, मैं गुनगुना नहीं, गर्म ही है काफ़ी, तो उसी में मैं इनको स्नान कराती हूँ यहाँ पे भी। तो ये मेरी यहाँ की जो सिंपल सी पूजा करने का तरीका है यहाँ पे, बिल्कुल ही कुछ थोड़े से ही सामान में कैसे मैं पूजा कर रही हूँ, मैं वही आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे कान्हा जी को नहला दिया है, स्नान करा दिया, और उसके बाद थोड़ा सा इत्र से इनकी मालिश करूँगी, और हीटर भी चला रखा है मैंने रूम में, तो कमरा तो बिल्कुल गर्म है, तो यहाँ पर ठंड तो बिल्कुल नहीं लग रही है। और इनको पहना दी यहाँ पर इनर, उसके बाद इनको पहनाई है ये वाली ड्रेस, और ये वाली ड्रेस मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है, इसका कलर ना एकदम कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। तो बस मैंने इनको इन्हीं के जो बिस्तरे पे जो मैंने ये गद्दा लेके आई हुई हूँ वहीं पे इनको बिठा दिया है, और लगा दी है कैप, और दे दी है इनको बाँसुरी, और ये है कलंगी जो मैंने इनके कैप पर लगा दी है, और काफ़ी क्यूट से लग रहे हैं बैठे हुए, अभी मैं मतलब सामने से दिखाऊंगी आपको। बस उसके बाद मैं यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ना सारा सामान पहले एक एक काम करके ही नेक्स्ट काम को करना होता है, क्योंकि जगह कम है इस वजह से। तो यहाँ पे तिलक करना भूल गई थी कान्हा जी को, तो वो भी कर दिया है, और उसके बाद इस प्लेट में मैं लगाती हूँ दिया, तो यहाँ पर इसमें सबसे पहले बना लूँगी सात्विक, उसी तरीके से जैसे मैं वहाँ पर करती हूँ, और जोत कर लिया है मैंने तैयार, धूप, धूपबत्ती और जोत, तो ये मैंने दिया भी लगा दिया है।
और कान्हा जी को मैं यहाँ पे भोग में ना मतलब अधिकतर क्या कर रही हूँ, या तो फल का ही भोग लगा रही हूँ या फिर ड्राई फ्रूट का ही भोग लगा रही हूँ, क्योंकि खाने का तो मतलब इतना ना ही मैं यहाँ बना पा रही हूँ, क्योंकि इंडक्शन पे देखिए बनता नहीं है अच्छे से ना जैसे रोटी वगैरह। तो मैं सूखा ही जो मतलब खाना होता है इस तरह का ही भोग मैं कान्हा जी को भी लगा रही हूँ यहाँ पे। और अब कर रही हूँ मैं आरती। तो बस फ्रेंड्स आरती करने के बाद मैं यहाँ पे जैसे जल फेरते हैं ना, आरती करने के बाद बस वही कर रही थी और चरण स्पर्श कर रही थी कान्हा जी के। तो बच्चों को आरती देने जा रही थी अब मैं, और ये हो गई थी मेरी पूजा। और ये देखिए कान्हा जी कितने क्यूट लग रहे हैं बैठे हुए, और ये भोग लगाया मैंने कान्हा जी को। तो फ्रेंड्स पूजा मेरी हो गई है, ये देखिए मैंने कान्हा जी को यहाँ पे बिठा दिया है। अभी आपको दिखा रही थी मैं कैसे पूजा कर रही हूँ, और अब बनाऊँगी नाश्ता। और नाश्ते में आज बनाऊँगी, आज अभी पहले टाइम बता दूँ आपको, वही देख रही थी मैं अभी, अभी बजे हैं 10। और अभी और मानो नहाने गए हैं, और ये देखिए मेरी आवाज़ ना चेंज हो गई है मेरी ना यहाँ पे आके। वैसे जुकाम तो नहीं हो रहा, बस पता नहीं क्यों गला ही मतलब आवाज़ ही चेंज हो रही है, बाकी और कुछ नहीं हो रहा। तो मैं बना रही हूँ अब आलू उबाल दिए हैं मैंने यहीं पे बैठ के, आलू को छीलूंगी। तो मैं यहाँ पे छीलूंगी आलू, मैंने छिला लिया हीटर क्योंकि बाल भी गिल रहे, मैंने बाल धोए अभी, क्या बोलते हैं ब्रेड, वो क्या बोलते हैं उन्हें सैंडविच सैंडविच बनाऊंगी। तो चलिए मैंने छोटू से कुकर में बना लिए उबाल लिए हैं आलू, और अभी ना नहा के लेके आएगा ब्रेड दुकान से, अभी ब्रेड आए नहीं है। तो जब तक ब्रेड आते हैं तब तक मैं छील लेती हूँ यहाँ पे आलू। तो बस मैंने फ्रेंड्स आलू को तो छील लिया था, लेकिन अभी बनाए नहीं है सैंडविच, पहले मैं इनको तैयार कर रही थी यहाँ पे, ये दोनों नहा के आ गए थे। तो बस इनको यहाँ पे पहना रही थी फटाफट से कपड़े, अभी ना तो अपने आप से ही हो जाता है तैयार, लेकिन मानू को पहना रही थी, और कपड़े कम होने की वजह से मैंने बस इसको इनर डाला नीचे और उसके ऊपर स्वेटर और ऊपर से जैकेट डाल दिया। स्वेट शर्ट गिल्ली पड़ी है दोनों तीनों जितनी भी थी इसकी, तो मैंने कि वो पहनाने से तो अच्छा है कि मैं इसको ऐसे ही जैकेट बना देती हूँ कहीं उसकी सिलन ना चढ़ जाए। तो बस मैं यहाँ पे इनके कर रही हूँ दोनों के हेयर में मालिश अच्छे से, और अब मानो के भी काफ़ी बड़े बाल हो गए हैं, वहीं पे जाके कटिंग करवाऊँगी, अभी तो नहीं करवा रही यहाँ पे। और मानो को तो ना दर्द होता है बालों में अगर मैं इस तरह से इसके मसाज करूँ, और अभिनव को पूरा अच्छा लगता है, ये कह रहा मेरे तो पूरे बालों में तेज़ी से करूँ मम्मा। तो बस मैं इनके दोनों बच्चों के कर रही हूँ मसाज, और बस उसके बाद बनाऊंगी अब नाश्ता यहाँ पे, ये दोनों को भी तैयार कर दिया है। और यहाँ पे इनके दोनों की होती कैप पे लड़ाई, और क्योंकि ये इसको मानू को भी यही वाली कैप पहननी थी और अभिनव को भी, और अभिनव तो बड़ा है तो फिर भी समझ जाता है, लेकिन ये नहीं समझता, ये छोटा है ना जो ये छोटू सा बैठा है नटखट, ये नहीं समझता। तो बस इसे मैंने इसको ही लगा दी फिर ये वाली कैप, और अभिनव को दूसरे वाली लगा दी है। तो बस ये हो गए दोनों यहाँ पे रेडी। तो मुझे यहाँ पे मानू काफ़ी फनी लग रहा था, तो मैंने इसकी जो वॉइस थी वो म्यूट नहीं करी। और ये देखिए अब मैं बना रही हूँ चाय, और ये है चाय मसाला जो मैंने पिछले एक वीडियो में आपको दिखाया था कि मैं चाय का जो मसाला होता है वो सर्दियों में कैसे बनाती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पे अदरक भी डाला है, थोड़ा सा चाय मसाला, और बिल्कुल कड़क सी ठंड वाली जो कड़कती ठंड में चाय पीते हैं वो चाय बना रही हूँ यहाँ पे। और उसके बाद ये देखिए, और इंडक्शन पे ना पता अब मुझे आ गया इसको चलाना, तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल इसको ना लो फ्लेम पे ही कर रही हूँ तो ना ये नहीं निकलता, लेकिन पहले मुझे नहीं पता था। तो यहाँ पे मैंने आलू को में भी सारा कुछ डाल लिया है जो मतलब पिट्ठी में डालना होता है आलू की, नमक धनिया मिर्च वही सब। और ये मैं बनाने लगी हूँ अब यहाँ पे सैंडविच, और मैंने दो दो सैंडविच से बना लिए थे बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी जितने मतलब खाने थे।
और ये हो गया है तैयार हमारा नाश्ता, चाय। और ये देखिए डिस्पोजल में ही चाय पीनी पड़ रही है क्योंकि ना बर्तन का भी थोड़ा सा ना सोल्टेज है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।